गाइज, तो कभी ना कभी आप लोगों ने एक ऐसे यूजर देखे होंगे जिसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में एक कलरफुल बॉर्डर होता है और उसके साथ नीचे में एक ब्लू टिक होता है जो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देख सकते हैं। अगर आप लोग भी इस तरह के इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप यही बताने वाला हूँ। मैं अभी एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कलरफुल बॉर्डर लगा सकते हो और ब्लू टिक के साथ। गाइज, इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, आप इसकी मदद से अपने प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स क्रिएट कर सकते हो, गेन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर ये हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ऐड होता है, कलरफुल बॉर्डर ऐड होता है, तो लोग हमें ज़्यादातर फॉलो करते हैं, वो समझते हैं कि ये बड़ा क्रिएटर सेलिब्रिटी समझ के हमें ज़्यादातर फॉलो करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे पास ब्लू टिक है, इससे हमारे यूज़र जो हैं वो हमें ज़्यादा फॉलो करते हैं और हमारी प्रोफाइल भी ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो ये एक अच्छा तरीका भी हो सकता है फॉलोअर बढ़ाने का, फॉलोअर इंक्रीज करने का। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसा कलरफुल बॉर्डर ब्लू टिक के साथ हम भी अपने प्रोफाइल में ऐड करें तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने छोटे भाई का नाम जान लीजिए। तो मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल लिसन गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट आपको मिलता है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ज़रूरी बात, अगर गाइस आप लोग चाहते हो कि नेम के पास भी एक ब्लू टिक लगाना, तो मैं इस पर बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं वीडियो जैसे अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हाँ, तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ पे खुद के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप ऐसा राउंडेड कलरफुल राउंडेड और ब्लू टिक के साथ हमने ऐड किया। अब हम आपको बताने वाले कि ये कैसे करना है। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हमें कोई ब्राउज़र में चले जाना है। जैसे में हमें क्रोम ब्राउज़र है, हमें तो हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आप में जो ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो, मैं पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं क्या सर्च करना है, क्या नहीं सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी आके, तो गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है unilink.us। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे unilink.us। तो गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं unilink.us का हमारे सामने मतलब प्रोफाइल खुल के आ चुका था। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको ऑन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सीधे स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। गाइस इतनी अमेजिंग लगने वाली है हमारी प्रोफाइल आईडी, क्या बताएं आपको। हमें सीधे नीचे चले जाना है, नीचे जाना है, स्क्रॉल करते करते नीचे जाना है हमें। हम यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप स्लिप्ड फोटो नाउ। तो यहाँ पे नहीं, हमें थोड़ा और नीचे जाना है। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रिएट बॉर्डर नाउ का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। हमें सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद अगर आपको इसमें से जो भी चूज़ करना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी चूज़ करना है आपको चूज़ कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर यही अच्छा होता है, चाहे अमेजिंग भी यही लगता है। तो हम इसे चूज़ कर लेते हैं। सिंपल से हमें कुछ नहीं करना, हमें नीचे चले आना। नीचे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आप कैमरा रोल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैमरा से कर सकते हैं और अपने फाइल में भी जाके गैलरी से भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो हम अपने चलते हैं गैलरी में। सिंपल से गैलरी में आ जाते हैं, यहाँ पर गैलरी में हम चले जाते हैं। गैलरी में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप कोई भी फाइल एक ले सकते हो, कोई भी फ़ोटो हम ले लेते हैं। तो हम ये फ़ोटो ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है ये फ़ोटो। तो ये फ़ोटो हम ले लिया, ये लोडिंग हो रहा है, हम इसे थोड़ी देर लोडिंग होने देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लोडिंग होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमारे पास कलरफुल बॉर्डर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ब्लू टिक चाहिए। तो ब्लू टिक के लिए हमें क्या करना है, ब्लू टिक के लिए सिंपल से थोड़ा ऊपर जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टिक लगा हुआ, इसके बाद लिख रहा है वेरीफाइड बैज। हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसे अलाउ कर देना है। तो हम इसे अलाउ कर देते हैं, अलाउ हो गया मेरा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आने के बाद ये आपका हो चुका है। तो अब इसे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं ब्लू टिक के साथ ये हो गया हुआ। तो अब हमें इसे कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप आके डाउनलोड कर लेनी है। ये हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड ये हो चुका है। हम देख सकते हैं यहाँ पे
डाउनलोड हो चुका है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव हो चुका है। अब हमें इसे इंस्टाग्राम में पोस्ट कैसे करना है, हमें वहाँ पर ऐड कैसे करना, तो हम कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल से चले जाना है अपने इंस्टाग्राम आईडी में। हम यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, हमारे में जो ऐड है, और आपको कुछ नहीं, एडिट फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे न्यू प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करके आपने जो लिया वो, जैसे मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसे ऐड कर सकते हो। ये आप लोग देख सकते हो ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्लिक राइट क्लिकन पे क्लिक कर देनी है, तो आप लोग देख सकते हो ये ऐड हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।